yes malik very welcome to all of you to this the topic wise revision of ca inter cma inter and cs executive या आज का रिविजन जो सीरीज है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस का मैं आपको बता दूं ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूं ये पास रख बुक है जो आपको डॉट कॉम से मिल जाएगी आप बाय कर सकते हो आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन डिस्कशन भी चल रहे हैं जो अगेन मेरे ही यूट्यूब चैनल से वजह साइड पर मिल जाएंगे तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा यस yes, रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं क्या रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट आया है एज सच देखा जाए तो जो अमेंडमेंट है वो पिछले ही साल के इस साल इसके अंदर में कोई फ्रेश अमेंडमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा यस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ईमानदारी से वो इंपॉर्टेंट है -A important है, या तो सेक्शन नाइन इंपॉर्टेंट है ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है तो इन चीज का सबसे ज्यादा जिसको आपको पढ़ के जाना है यस yes, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं याद करने से पहले एक छोटा सा बस आपको मोटिवेशन दे देता हूँ बी टीचेबल यू आर नॉट ऑलवेज राइट आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है जो बोले कि यार रेसिडेंशियल स्टेटस तो आता है इसको क्या पढ़ने की जरूरत है साहब ऐसा नहीं है इंसान को हर उम्र में हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है तो कभी भी रेडी रहिए कुछ सीखने के लिए यस yes, कभी भी रेडी रहिए कुछ सीखने के लिए क्योंकि भाई साहब आप हर उम्र में सही नहीं हो सकते कुछ ना कुछ गलती हम सबके अंदर में होती है सो अस स्टार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक पे अगर ध्यान दे दे तो आपको मैं बता दूँ रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकलता है सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल स्टेटस यस इंसान की टोटल इनकम तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता न चल जाए सो टोटल इनकम ऑफ असनॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो द रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली रेसिडेंशियल इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज ईयर टू ईयर ईयर टू ईयर ये बदल सकती है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट ये दोनों सेम कप्ट नहीं है ये रेसिडेंशियल स्टेटस सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर ऐसे चार्ट पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है सिक्स वन इज फॉर इंडिविजुअल सिक्स टू इज फॉर एच यू एफ सिक्स थ्री इज फॉर कंपनी एंड सिक्स फोर इज फॉर अदर्स राइट सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख लेते हैं इस कंसेप्ट को सर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इस कंसेप्ट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा जनरल रूल रेसिडेंट के लिए जनरल रूल रेसिडेंट के लिए अ पर्सन कैन इधर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कम ऑन एवरीबडी सबर्सन कैन ईधर भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक दोनों में से एक कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करनी होती है ही स्टेज इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस इयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर यस yes, सो so अगर आपको रेसिडेंट बनना है सेक्शन सिक्स वन की कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए एनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए स्टे फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और सिक्सटी डेज इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिडिंग ईयर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए रेसिडेंट बन जाएंगे याद रखिए यहाँ पे जो फोर प्रीवियस प्रिसीडियर ईयर है ये कंटिन्यूस फोर प्रीवियस प्रीसिडिंग ईयर होने चाहिए राइट right? अच्छा जी तीन लोग तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली वन एटी टू डेज तीन लोग ऐसे हैं जिनके लिए रेसिडेंट मतलब ओनली वन एटी टू डेज एनी बड़ी पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये तीन लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब है ओनली वन एटी टू डेज ये तीन लोग अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट सो इंडियन सिटीजन बींग शिप क्रू मेंबर और और पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट they will be treated as resident if this stays in india for 182 days or more in

कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेंशन है उतना एक्सक्लूड किया जाता है काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया तो जितना पीरियड सीडीसी में मेंशन आप एक्सक्लूड कर देंगे पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ साइनिंग एज इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो उतना पीरियड हमको क्या करना है हटा देना है जितना कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होगा बैलेंस नंबर ऑफ डेज अगर 182 से ज्यादा है तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट आप सभी को याद होगा फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने एक अमेंडमेंट किया था किसके लिए इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया याद आ रहा है आपको हमने क्लास के अंदर में भी डिस्कस किया था फास्ट्रैक बैच के अंदर में भी डिस्कस किया था सो so, अगर कोई व्यक्ति है हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड द इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख अगर इसकी इनकम 15 लाख रुपीज से ऊपर नहीं जा रही इसे रेसिडेंट माना जाएगा कब बेटा कब एवरीबॉडी कब कब रेसिडेंट माना जाएगा इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर वन डेज और मोर सो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन

नेक्स्ट पार्ट पे यही अगर इनकी इनकम दैट इज इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो तो इनके लिए दो क्राइटेरिया थे अगर आपको याद हो तो 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड फाइव डेज इन फोर प्रीवियस प्रिडिंग ईयर सो इफ इट्स एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट टू इंडिया And total income excluding the foreign sources is 15 lakh rupees, he would be treated as resident if any of the following condition is satisfied: 182 days or more in previous year, or 120 days in previous year and 365 days in four previous preceding year. Yes, अगर दोनों में से एक भी condition satisfy होती है, तो resident माना जाएगा। याद रखिए, ये जो 15 lakh वाला condition है, ये criteria आपको देखना होगा। Questionnaire के अंदर में मैंने तीनों के ऊपर question रखे हुए हैं, please जा करके check कीजिएगा। क्वेश्चन है डिस्कशन चेक कर लो एक बार बेटा डन है बेटा चलिएगा ये पॉइंट को दो मिनट बाद डिस्कस करते हैं इधर आइए सिर्फ रेसिडेंट होने से काम चलता है आंसर इज नो सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलेगा का। मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिलाए और इसके पहले एक और चीज हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखा था ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है अगर आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में सो अ पर्सन शैल डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ईदर ही और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं यस yes. अब आते हैं की के ऊपर सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता मम्मी को बोलो कॉम प्लान पिलाए या तो इसे आर ओ आर बनाए या तो इसे आर एनओ आर बनाए या तो इसे आर ओ आर बनाए या तो इसे आर एनओ आर बनाए सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता आपको इसे आर ओ आर या आर एनओर के अंदर में बनाना होगा सो आर ओ आर के लिए कितनी कंडीशन है एक या दो, दो कंडीशन है साहब आर ओ आर के लिए आर ओ आर के लिए कितनी कंडीशन है दो कंडीशन है आर ओ आर के लिए कौन सी दो कंडीशन है राइट पहला ही इज रेसिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर दस में से कोई भी दो प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर के लिए आप क्या होने चाहिए रेसिडेंट सो ही इज रेसिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर दस में से कोई भी दो प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर के लिए अगर आप रेसिडेंट हो जाते हैं तो एंड एंड सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस ईयर लीजिए साहब अगर यह दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो जाती है तो आप बन जाते हो आर ओ आर सो आर ओ आर के लिए कितनी कंडीशन है देखिए इंडिविजुअल्स को सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई नहीं करना पड़ेगा इसे आर ओ आर या आर एनओ आर या एनआर में क्लासिफाई करना पड़ेगा तो रेसिडेंट तो आपको बिल्कुल सिक्स वन की कंडीशन वन एटी टू और सिक्सटी और अकॉर्डिंगली आप इंडियन सिटीजन है, है तो अकॉर्डिंगली अपना रेसिडेंट निकालेंगे करना करना पड़ेगा आर और further classification करना पड़ेगा और के के अंदर अंदर में। में यस yes, प्रभु चलिए अब आते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर सिक्स वन ए आर आर का डिस्कशन में दो मिनट के लिए रोक रहा हूं और आपको लेकर के चल रहा हूं सिक्स वन ए के ऊपर सिक्स वन ए बताइए सरकार ने क्यों लाया था भारतवासी कहीं अपना नाम डुबा दे टैक्स चोरी करके इसके लिए लेके आया था ये जो कंसेप्ट था सेक्शन सिक्स वन डीम्ड रेसिडेंट का यहां लॉ लिखता है अगर कोई इंडियन सिटीजन होगा कौन होगा जल्दी बताइए इंडियन सिटीजन होगा कौन होगा इंडियन सिटीजन ये पर्टिकुलर लॉ किसके ऊपर नहीं है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर एप्लीकेबल नहीं है सो so, अगर कोई इंडियन सिटीजन होगा यस, नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है फिफ्टीन लाख रुपीज से इन इंडिया एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनी वेयर बाय रीजन ऑफ इज रेसिडेंट बाई रीजन ऑफ इज डोमसाइल और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया तो साहब इफ ही इज इफ ही इज रेसिडेंट बींग एन इंडियन सिटीजन

विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इस व्यक्ति को हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे ये वाला जो प्रोविजन है यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है सर यह वाला प्रोविजन सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल है सर सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है अच्छा एक बात मैं आपको बता दू अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बनता है एस पर सिक्स वन ए उसको डायरेक्ट हम आर एनओ आर में क्लासीफाई करते हैं अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बनता है एस पर सिक्स वन ए हम उसको डायरेक्ट आर एनओ आर में क्लासीफाई करते हैं यस yes, अगर कोई व्यक्ति सिक्स वन के हिसाब से रेसिडेंट बन गया सिक्स वन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति सिक्स वन ए के एप्लीकेबिलिटी में आ जाता है सिक्स वन एप्लीकेबल नहीं होगा याद रखना होगा ते हैं आर एनओ आर के ऊपर अब आते हैं आर एनओ आर के ऊपर आर ओ आर, आर की कितनी कंडीशन थी आर ओ आर की दो कंडीशन थी याद करो ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर यस और नो नाउ माय फ्रेंड्स नाउ माय फ्रेंड्स आर एनओ आर की जो कंडीशन है ये बिल्कुल इससे अपोजिट है

इन सेवन प्रीवियस प्रिडिंग ईयर इन ऑल ही स्टेज फॉर सेवन ट्वेंटी नाइन डेज और लेस मिनिमम सेवन थर्टी डेज ले लिया तो आप आर ओ आर बन गए मिनिमम सेवन थर्टी डेज ले लिया तो आप आर ओ आर बन गए यहां पर बोल दिया अगर आप अपू सेवन ट्वेंटी नाइन डेज है तो आप आर एन ओ आर के क्लासिफिकेशन के अंदर में आएंगे थर्ड अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट है एज पर क्लॉस वन ए अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है सिक्स वन ए के हिसाब से तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा

120 से लेकर 182 डेज तक के अगर आप है तो आपको आर एन ओ आर के अंदर में क्लासिफिकेशन मिल सकता है यानी अगर आप यहाँ देखें अगर कोई व्यक्ति इस क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है अप टू 120 डेज अगर वो प्रीवियस ईयर में रहता है नॉन रेसिडेंट माना जाएगा 120 डेज से लेकर 182 डेज तक के रहता है वो आर एन ओ आर माना जाएगा और 182 डेज के ऊपर है तो वह आरओ आर या आर एनओ आर कुछ भी बन सकता है सिक्स सिक्स के हिसाब से एक बार चेक कीजिए मालिक जल्दी से चेक करो डन है बेटा हाँ जी बढ़ेंगे आगे चलो सो रेसिडेंट इंडिविजुअल है या तो वो आर ओ आर या तो वो आर एनओ आर या तो वो एनआर की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चनर डिस्कशन में मैंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर चार क्वेश्चन लिए हुए हैं इन कंसेप्ट के ऊपर प्लीज 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 जाकर के एक बार देख लेना ठीक है बेटा चलिए फर्दर फर्दर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ एच एफ का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको याद हो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया एच यू एफ बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट अदरवाइज एच यू एफ बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट इफ करता सेटिसफाइड सिक्स सिक्स होल एच यू एफ आर ओ आर इफ करता डू नॉट सेफाई सिक्स सिक्स होल एच यू एफ आर एन ओ आर की कैटेगरी में आ जाएगा तो हमें यह देखना होगा क्या करता सिक्स सिक्स के कंडीशन को सेटिसफाई कर रहा है क्या कम ऑन एवरीबॉडी सिक्स सिक्स की कंडीशन क्या थी वही दो कंडीशन आर ओ आर बनने की ही इज रेसिडेंट फॉर टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज इन सेवन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर अगर किसी एच का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वो एच क्या माना जाता है बेटा नॉन रेसिडेंट वो एच क्या माना जाता है बेटा नॉन रेसिडेंट इज डन याद रखिए ओनली इंडिविजुअल एन एच एफ बी आर ओ आर आर एन ओ आर एल्स एवरी अदर पर्सन इज ईदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट गेम ओवर अब आते हैं हम यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर एस एस

रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी देख रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख 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 लिया लिया अदर लिया सिर्फ एक बचता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑफ कंपनी बेटा एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर मैं बात करूँ सिक्स दोनों चीजें रट के जाना बाकी की चीजें आपको नहीं पूछने वाला राइट इंडियन कंपनी अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है हम इसे ऑलवेज रेसिडेंट मानते हैं अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है हम इसे ऑलवेज रेसिडेंट मानते हैं यही अगर कोई कंपनी फॉरन कंपनी है पोयम इन इंडिया रेसिडेंट उटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट पोयम इन इंडिया रेसिडेंट पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट यह पोयम क्या होता है मालिक पोयम का मतलब होता है बेटा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां पर की कमर्शियल डिसीजन इन सबस्टेंस इन मेड दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हालांकि सरकार ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन इशू करी दी है लेकिन ये आपको इंटर लेवल पे कवर नहीं है आप जब मेरे साथ फाइनल में आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया एक बार आपने रेसिडेंशियल तो सही, आप सही तरीका रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने का सो so, हमने सेक्शन सिक्स पढ़ लिया रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर फाइव के ऊपर या तो व्यक्ति आर होगा या तो व्यक्ति आर होगा या तो व्यक्ति एनआर इंडिविजुअल रेच को छोड़ करके बाकी सब अदर ऐसे या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे एवरीबॉडी ये दो तरीके की इनकम कमाएंगे इंडियन इनकम Foreign income. ये दो तरीके की इनकम कमाएंगे इंडियन इनकम फॉर इनकम ढूंढने इंडियन इनकम मतलब थे चार. Indian income के याद आ रहा है बेटा इन इंडिया डीम टू बिसीव इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम टू अक्रूड अराइज इन इंडिया सबसे पहला क्राइटेरिया था रिसीव्ड इन इंडिया अगर ट्रांजैक्शन किसी भी एस के बीच में हो रेसिडेंट और रेसिडेंट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अगर ट्रांजैक्शन कोई भी एस के बीच में हो जिसका पैसा इंडिया में मिला इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया सो इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया यस yes, बेटा अच्छा जी दूसरा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया

दूसरा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट नाइन पॉइंट परसेंट का जो इंटरेस्ट होगा ये भी डीम टू बी रिसीव इन इंडिया माना जाएगा टेक्निकली पैसा आपको नहीं मिलता है लेकिन आपके बिहाफ पे अकाउंट में डिपॉजिट होता है डीम टू बी रिसीव्ड बाई यू तीसरा ट्रांसफर फ्रॉम यू आरपीएफ टू आरपीएफ ट्रांसफर फ्रॉम यू आरपीएफ टू आरपीएफ अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट कर देते हैं आप आरपीएफ के अंदर में तो इनकम डीम टू राइज इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सी सी पेंशन फंड के अंदर में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है चार आइटम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियन पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यून फ्रॉम यू आरपीएफ टू आरपीएफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम यस, चलिए बढ़ेंगे आगे तो इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर है चार रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड और अराइज इन इंडिया अक्रूड और अराइज इन इंडिया अगर बिजनेस इंडिया के अंदर में है प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर में है या फिर आपका इनकम इनकम जनरेटिंग असैट इंडिया में है जैसे एफडी अकाउंट इनके ऊपर कोई भी इनकम आ रही है जैसे बिजनेस नागपुर के अंदर में भले ही पैसा आउटसाइड इंडिया मिला इनकम विल डीम टू अक्रूड अराइज इन इंडिया मान लीजिए एफ का पैसा एस इंडिया में रखा हुआ है भले ही इसका इंटरेस्ट आपको आउटसाइड इंडिया मिला अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है भले ही इसका रेंट आउटसाइड इंडिया मिला इनकम विल अक्रू और अराइज इन इंडिया सो so, अगर प्रॉपर्टी असेट या इनकम जनरेटिंग असेट इंडिया में सिचुएटेड है इनकम विल ऑलवेज भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया चौथा क्राइटेरिया डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया डीम्डराइज इन इंडिया सेक्शन नाइन क्या चीज बेटा सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सेक्शन नाइन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है इसके अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सेक्शन नाइन पूरे चैप्टर की जान है अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आएगा ना साहब तो सेक्शन नंबर नाइन से आएगा या सेक्शन नंबर सिक्स से आएगा या सिक्स से आएगा आप मान के चल लेना आप मान के चल लेना इन्हीं चीजों से आएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस कनेक्शन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी इंपॉर्टेंट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आप मार्क करके चलिए साहब डन चलिए सर डन आओ इधर डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया अगर ये डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया है तो इसके अंदर में सेक्शन नाइन के लिखे हुए आइटम आएंगे इसके अंदर में सेक्शन नाइन के लिखे हुए आइटम आएंगे हाल फिलहाल में बिजनेस कनेक्शन को छोड़ देते हैं एक एक आगे के पार्ट पे चलते हैं सैलरी अर्न इन इंडिया देखिए सैलरी इज टैक्सेबल एट ए प्लेस आर रेंडर्ड सो अगर नॉन रेसिडेंट एक बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में भेजे में उतार लीजिए सेक्शन नाइन नॉन रेसिडेंट्स के लिए है सेक्शन नाइन नॉन रेसिडेंट्स के लिए है नॉन रेसिडेंट जो इनकम इंडिया के अंदर में कमाते हैं नॉन रेसिडेंट जो इनकम इंडिया के अंदर में कमाते हैं इनके लिए एप्लीकेबल है सेक्शन नाइन इनके लिए एप्लीकेबल है सेक्शन नाइन यस तो नॉन रेसिडेंट ने सैलरी अगर इंडिया में अर्न करी दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सो सैलरी अर्न इन इंडिया इनकम विच फॉल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज इफ इट इज अर्ड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया गेम ओवर नेक्स्ट पार्ट सैलरी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू एनी इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है कहा आउटसाइड इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है कहा आउटसाइड इंडिया दैट इनकम वु डीम टू अक्रूर इन इंडिया दैट इनकम वु डीम टू अक्रूअर राइज इन इंडिया लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा सर यहां पर सिर्फ सैलरी वर्ड है यहां पे सिर्फ सैलरी वर्ड है एक सेक्शन है सेक्शन टेन सेवन जो कहता है अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया या या परक्विजिट देता है परक्विजिट जो है वो है सो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी चार्जेबलमेंट हाउ एवर अलावेंस और परक्विजिट पेबल आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जाम फॉरन अलावंस और परक्विजिट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो दिए जा रहे हैं ये क्या है बेटा एग्जाम चेक करो थर्ड कैटेगरी में आते हैं बेटा थर्ड कैटेगरी में याद तो याद रखिएगा सैलरी अलाउंस और परक्विजिट है थर्ड इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड कर रही है पैसा इंडिया में मिले आउटसाइड इंडिया में मिले मैटर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑन द नेक्स्ट पेज इफ डिविडेंड इज पेड बाय इंडियन कंपनी इवन इफ इट इज आउटसाइड इंडिया इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है इंडिया से अगर नॉन रेसिडेंट को क्या जनरेट हो रही है इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है इंडिया से ये इंटरेस्ट इनकम किससे रिसीव हो रही है इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट राइट इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट ये इंटरेस्ट किससे डेवलप हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट दे रही है किसको नॉन रेसिडेंट को या रेसिडेंट दे रहा है किसको नॉन रेसिडेंट को अदर देन फॉर बिजनेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया बिजनेस ही अगर आउटसाइड इंडिया है किसी रेसिडेंट का बिजनेस ही आउटसाइड इंडिया है वो आउटसाइड इंडिया ही नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है in Haan, इस रेसिडेंट का बिजनेस इंडिया में है और यह इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे कर रहा है दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया सो रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को पे करता है इंटरेस्ट बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया इनकम उट ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट इन इंडिया यही रेसिडेंट का बिजनेस आउटसाइड इंडिया में ही है और वह बाहर ही इंटरेस्ट पे कर रहा है नो गवर्नमेंट in so, किसी नॉन रेसिडेंट को देखिएगा गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को दे कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को दे इनफैक्ट कोई नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को भी दे क्या इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल टू एन आर एस पर सेक्शन नंबर नाइन दैट इंटरेस्ट इज टेक्सेबल टू एन आर अंडर सेक्शन नाइन सो इंडियन गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे या रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे फॉर बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया या फिर या फिर नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट देर बिजनेस टू बी कैरियड आउट इन इंडिया फॉर बिजनेस टू बी कैरियड आउट इन इंडिया Non अगर दूसरे नॉन रेसिडेंट को दे रही है इंटरेस्ट फॉर बिजनेस टू बी कैरिड आउट इन इंडिया फॉर बिजनेस टू बी आउट इन इंडिया है और वह दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है नो इनकम डीम टू अक्रूर इन इंडिया हाँ लेकिन किसी नॉन रेसिडेंट का बिजनेस इंडिया में है वो इंटरेस्ट दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सो सम करते हैं अगर गवर्नमेंट दे रही है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को फॉर बिजनेस इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट दे रहे फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया दीज इंटरेस्ट इज टैक्सीबल टू नॉन रेसिडेंट यस चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रॉयल्टी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रॉयल्टी भाई साहब रॉयल्टी सेम कंसेप्ट सेम कंसेप्ट सेम कंसेप्ट ठीक है रॉयल्टी एक बड़ा कैलकुलेशन है सेम कंसेप्ट पहला अगर कोई गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रही है रॉयल्टी इनकम कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया या कोई नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस कैरियड आउट इन इंडिया सो गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है रॉयल्टी का कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है रॉयल्टी इनकम या नॉन रेसिडेंट अनादर नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं फॉर बिजनेस इन इंडिया यह रॉयल्टी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में यह नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में अब आप ये पूछेंगे कि सर रॉयल्टी मतलब क्या होता है इधर आइए रॉयल्टी का मीनिंग डिफाइंड एक्सप्लेनेशन टू में रॉयल्टी का मीनिंग डिफाइंड एक्सप्लेनेशन टू में इसमें सारी चीजें कवर्ड है पिछले साल का एक अमेंडमेंट था कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इज ऑल्सो रॉयल्टी तो एक्सप्लेनेशन टू आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन देता है क्या रॉयल्टी में आएगा क्या रॉयल्टी के अंदर में नहीं आएगा ये yes? याद रखे रॉयल्टी इंक्लूड ंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट वेदर ऑर नॉट पजेशन और कंट्रोल ऑफ सच राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज विध पेयर द राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज यूज डायरेक्टली बाय द पेयर लोकेशन इज इन इंडिया सो इंटरेस्ट के जैसे रॉयल्टी का भी है गवर्नमेंट दे नॉन गवर्नमेंट बींग रेसिडेंट एसेसी डे या नॉन रेसिडेंट एसे दे फॉर बिजनेस टू बी कैरिड आउट इन इंडिया बिजनेस टू बी carried आउट इन इंडिया द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया यस प्रभु थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है फीस फॉर टेक्निकल services, जिसको हम कहते हैं बेटा बेटा, हम लोग क्या कहते हैं जिसको FTS, fees for technical services. अगेन इंडियन गवर्नमेंट दे रही है इंडियन गवर्नमेंट दे रही है नॉन रेसिडेंट को या कोई रेसिडेंट एस दे रहा है नॉन रेसिडेंट को या फिर कोई नॉन रेसिडेंट एस दे रहा है किसको बेटा नॉन रेसिडेंट को या कोई नॉन रेसिडेंट एस दे रहा है किसको बेटा नॉन रेसिडेंट को तो जो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मींस एनी कंसिडरेशन एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड एनी कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन असेंबली माइनिंग और लाइक प्रोजेक्ट चेक करो बेटा एक बार इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफ़ तीनों चेक करना कर रहे हो बेटा जल्दी करो चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया अगर कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल असेट इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है अगर कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल असेट कहां सिचुएटेड है बेटा इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है इनकम आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी और असेट विल डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया इनकम फ्रॉम दैट असेट विल डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया इंडिया में कोई कैपिटल सेट आप ट्रांसफर करते हैं इंडिया में कोई कैपिटल सेट ट्रांसफर करते हैं लेट से लैंड नॉन रेसिडेंट की कोई जमीन थी इंडिया के अंदर में वो इस जमीन को बेच देता है वो इस जमीन को क्या कर देता है मालिक बेच देता है दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया गिफ्ट ऑफ मनी बायिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया मनी गिफ्ट करता है एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया मनी गिफ्ट करता है दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन साहब यहां अमेंडमेंट हुआ है डीम्ड डीम्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल बी डीम्ड बिजनेस कनेक्शन यहां अमेंडमेंट हुआ है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल टू बी बिजनेस कनेक्शन यहां अमेंडमेंट हुआ है चलिए देखते हैं बिजनेस कनेक्शन के मालिक तीन पार्ट है बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट है व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट है व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉट अ बिजनेस कनेक्शन राइट सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन What is business connection? Explanation to bahar.

लैंड रोवर जैगवार एंड लैंड रोवर जैगवार जितनी इनकम इंडिया से कमा रहे हैं इस इनकम पे इन्हें इंडिया में टैक्स देना होगा सेकेंड हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट मान लीजिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है कंक्लूड करने की किसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर लेकिन अगर आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक भी मेंटेन करते हैं तो ये आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा ये क्या माना जाएगा आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा यस फॉर एग्जांपल जुबलियां फूड ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज डोमिनोज के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक कौन मेंटेन करता है साहब जुब्लियांट फूड मेंटेन करता है तो इन दोनों में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा डोमिनोज की जितनी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है इसके ऊपर डोमिनोज को इंडिया में टैक्स देना होगा थर्ड सो so पहला इधर यू हैव अ राइट टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर ये नहीं भी हो पाता डोंट वरी डोंट वरी ये नहीं भी हो पाता हैबिटली मेंटेन द स्टॉक इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट ये भी नहीं हो पाता थर्ड सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट मान लीजिए अगर आप ये भी नहीं करते लेकिन आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑर्डर इंडिया में सिक्योर करते हैं हालांकि इफ यू आर अ ब्रोकर जनरल कमीशन एजेंट और अदर एजेंट हैविंग योर इंडिपेंडेंट स्टेटस देन देर इज नो बिजनेस कनेक्शन अगर आप एजेंट है और अपना कमीशन लेके बाजू उठ जाते हैं तब बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता तब यह बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता एवरीबॉडी चलिए आते हैं डीम्ड बिजनेस कनेक्शन के ऊपर आते हैं बिजनेस बिजनेस कनेक्शन कनेक्शन के ऊपर में अमेंडमेंट हुआ है देखिए यह जो लाया गया था ना डीम्ड बिजनेस कनेक्शन किसके लिए लाया था कंपनीज लाइक फेसबुक गूगल यूट्यूब यू नो इंस्टाग्राम और इन्नी तरीके की अन्य कंपनीज के लिए लॉ लेकर के आए थे ये लॉ

सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ असिडेंट इन इंडिया इज ऑल्सो डीम्ड बिजनेस कनेक्शन नॉन रेसिडेंट का अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में हो जाता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक में हो जाता है तो यह डीम्ड बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नॉन रेसिडेंट का अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में हो जाता है तो यह डीम्ड बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, तो जाएगा. बताइए साहब कौन सी चीज मानी जाती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब होता है अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विसेस प्रॉपर्टी और डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट एक्सीड टू करोड़ रुपीज अगर डाउनलोड ऑफ डेटा से आने वाला इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रहा है प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज से आने वाला इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रहा है तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा इमेजिन अ कंपनी लाइक एमेजॉन इन इंडिया एमेजॉन इंडिया में गुड्स बेच करके क्या दो करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा की है यस yes. तो फिर एमेजॉन का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है ये मान लिया जाएगा एंड दे आर टू टैक्स सॉफ्टवेयर इंडिया के अंदर में बेचता है यस डाउनलोड ऑफ डेटा पबजी जैसी कंपनी कई गेमिंग कंपनी यह क्या करती है नेक्स्ट लेवल के लिए पैसे चार्ज करती है अगर यह अमाउंट डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया इससे अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट साल भर में दो करोड़ के ऊपर आ रहा है तो यह मान लिया जाएगा इंडिया में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है एंड नाउ यू विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया अज्यूमिंग दैट इनकम डीम टू राइज इन इंडिया दूसरा सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंट्रैक्शन विथ नंबर ऑफ़ यूजर इन इंडिया शुड एक्सीड थ्री लाख अब जितने एप्स है जैसे यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया या फिर और कोई भी ऐप हो गया लाइक like टिकटॉक ये बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स को यूज़ करते हैं

के इन फॉरन कंपनीज को इंडिया में टैक्स किया जा सकता है तो ये दो चीजें नहीं आई है रट लेना दो करोड़ का वाइज लिमिट और यूजर वाइज लिमिट थ्री लैक्स का डन बेटा चलिए फर्दर वट इज नॉट अस कनेक्शन क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट वॉट इज बिजनेस कनेक्शन पढ़ लिया डीम्ड बिजनेस कनेक्शन पढ़ लिया नॉट अ बिजनेस कनेक्शन पे आ गए क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर चार चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती चार चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती पहला परचेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड है इनफैक्ट क्वेश्चन एर में मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिया है अगर आपका एक्टिविटी कन्फाइंड है परचेज करके एक्सपोर्ट कर देने में नो इनकम वु डीम टू करूर अराइज इन इंडिया दूसरा इनकम ऑफ एनी न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग ऑफ न्यूज पेपर मैगजींस और जर्नल्स अगर नॉन रेसिडेंट एस एस इज अज पेपर और पब्लिशिंग हाउस इनकम विल नॉट डीम टू करूर अराइज इन इंडिया थर्ड थर्ड थर्ड

यू you नो know, ये आपका इंडियन इनकम ही नहीं है इंडियन इनकम ही नहीं है तो टैक्सेबिलिटी में आ नहीं सकता सो so, पहला परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट न्यूज शूटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड डिस्प्ले डिस्प्ले ओनली डिस्प्ले डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड इन इंडिया अगर मान लीजिए किसी नॉन रेसिडेंट ने यहां पे किसी इवेंट या गैलरी के अंदर में क्या लगाया है बेटा सिर्फ डिस्प्ले लगाया है किसका डिस्प्ले अनअसॉर्टेड डायमंड अनकट रॉ डायमंड्स का राइट यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है यहाँ सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है इनकम विल नॉट डीम टू अग्रोव राइज इन इंडिया तो ये चार चीज़ें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी चेक कीजिए सेक्शन नाइन कंप्लीट किया हमने डन है बेटा चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग आ जाते हैं वापस से सेक्शन सिक्स वी हैव डन इट सेक्शन सेवन एट नाइन वी हैव डन इट सेक्शन फाइव कंप्लीट करना बाकी है हम यहां थे इस चार्ट पे एन इंडिविजुअल कैन ईदर बी आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर और अदर देन इंडिविजुअल कौन हो सकता है या तो सिर्फ रेसिडेंट हो सकता है या तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट हो सकता है चलिए आइए अगर वो इंडियन इनकम कमा रहा है इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर थे चार रिसीव्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया डीम अक्रूड राइज इन इंडिया व्हाट इज फॉरेन इनकम एन इनकम विच इज नॉट इन इंडियन इनकम इज अ फॉरेन इनकम राइट अगर इंडियन इनकम रिसीव हुई इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू

फॉरेन इनकम रेसिडेंट को टैक्सेबल है क्या मैं कह सकता हूं रेसिडेंट या आरओ आर इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं है नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं है इज दैट डन दैट्स इट प्रभु दैट्स इट ये था आपका रिविजन फॉर द प्पज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो सिक्स वन सिक्स वन ए और सेक्शन नाइन इन तीन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना मेरे क्वेश्चन है डिस्कशन में मैंने इनके ऊपर भरपूर क्वेश्चन रखे हुए हैं जाकर के इसको सॉल्व कर लेना और हां साहब बिल्कुल रुकना मत इन पूरी रिविजन सीरीज का भरपूर लाभ लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना हो सकता है उसकी भी ये रिविजन के लिए मदद मिल जाए ये जो बुक्स है ये वीलर्न क्लासेस डॉट कॉम के ऊपर अवेलेबल है तो प्लीज, प्लीज 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 वहां से जाकर के आप फटाफट अपने बुक कर दीजिए ताकि ये आप तक फटाफट पहुंच जाए यस सर सो थैंक यू सो मच मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में बाय बाय एंड अपना पूरा ख्याल रखिएगा